आगामी चुनाव से पहले गरीबों को रिझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है उसके बाद से ही बीजेपी बुरी तरह बौखलाई हुई है। बीजेपी जहां इसे झूठा दावा बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी की घोषणा के बाद कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए राहुल की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। आम चुनाव से पहले जहां एक तरफ मोदी सरकार रोज नए नए वादे कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान मास्टर स्ट्रोक खेला था। राहुल ने कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर गरीबी दूर करने का काम किया जाएगा और इसके लिए देश के हर गरीब को न्यूनतम आय गारंटी दी जाएगी, यानी हर गरीब व्यक्ति के खाते में न्यूनतम आमदनी दी जाएगी। राहुल गांधी ने ये घोषणा करते हुए कहा था कि दुनिया के किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा। राहुल गांधी की इस योजना के बाद से ही बीजेपी बुरी तरह बौखलाई हुई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अभी तक झूठ बोलती आई है और यह भी एक बड़ा झूठ ही साबित होगा। भले ही बीजेपी इसे झूठा वादा बता रही है लेकिन इन आरोपों के बीच अब राजस्थान सरकार ने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए राहुल की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने न्यूनतम आमदनी की गारंटी योजना लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्दी राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां जनता सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क का हिस्सा होगी और सभी के खाते में आमदनी जाएगी। आपको बता दें कि देश में इस वक्त 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनमें शेड्यूल कास्ट 31% और आदिवासी 45% है। ऐसे में साफ है कि आम चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।